हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सर्विस मार्केट। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सर्विस मार्केट होता क्या है, ठीक है? तो इसमें पहले तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सर्विस मार्केट, ठीक है, कि सर्विस मार्केट का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे सर्विस मार्केटिंग और सर्विस मार्केट का हमें मतलब ही ना पता हो, तो तब हमें पूरे सब्जेक्ट को तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सर्विस मार्केट। सर्विस मार्केट इज़ अ प्लेस और पॉइंट वेयर सर्विस यूजर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स मीट टूगेदर विथ स्पेशल इंटेंशन ऑफ बाइंग यूजिंग सर्विस एंड सेलिंग रेंडरिंग सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है। सर्विस मार्केट एक ऐसे प्लेस और पॉइंट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ये दोनों लोग मिलते हैं, ठीक है। सर्विस यूज़र, जिसको सर्विस लेनी है, और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इनका मेन इंटेंशन क्या होता है कि एक का होता है इंटेंशन कि हम उस सर्विस को ख़रीदेंगे, मतलब क्या करेंगे, उस सर्विस को यूज़ करेंगे, और दूसरे का इंटेंशन होता है कि हम इस सर्विस को रेंडर करेंगे, मतलब रेंडरिंग सर्विस, मतलब इन सर्विस को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, एक ठीक है ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्विस मार्केट। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, आफ्टर सेल्स, मतलब फाइनेंस कंपनी क्या होती है कि फाइनेंस अगर आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसका मोटिव होता है आपको फाइनेंस देना, और हमारा मोटिव होता है फाइनेंस लेना। इंश्योरेंस का भी यही होता है। आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन डीलिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस, ये सब क्या है, ये सब सर्विसेज हैं। आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो मेरा मोटिव होता है कि मेरे कान में दर्द है, तो मेरा मोटिव होगा कि हाँ, हम कान के डॉक्टर पास जा रहे हैं, तो मेरा होगा कि मेरा कान का दर्द सही हो जाए, हम कान के लिए मेडिसिन लेने जा रहे हैं, और उसका वो कान का डॉक्टर ही ऑफकोर्स सी बात है, तो उसका होगा कि हाँ, मुझे इनका कान ठीक करना है। दोनों के अपने अपने क्या हैं, इंटेंशंस हैं, ठीक है। इट इज़ नाउ ऑब्वियस that most economics the world over are increasingly becoming service market, ठीक है। ये अब बहुत obvious सी बात है कि क्या हो रहा है, economic मतलब world क्या है, अब बहुत जल्दी जल्दी service marketing बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, rapidly बढ़ रहा है। and therefore there is a need to manage service in the best possible way, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये भी तो ज़रूरी है कि आप उसको मैनेज करें हर वो तरीके से जो तरीका उसको मैनेज करने के लिए सही हो, ठीक है। कोई भी पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल वे से आप मैनेज करें सर्विस मार्केट को, ठीक है। सर्विसेज आर एक्टिविटीज़ विच आर इनटेंजिबल इन नेचर, ठीक है। सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी है जो इनटेंजिबल होती है, आप छू नहीं सकते इन चीज़ों को, ठीक है, आप सिर्फ फील कर सकते हो। देयरफोर स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर इशू इन सर्विस, ठीक है। इसीलिए आप इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाते हो, मतलब इसका स्टैंडर्ड नहीं देख पाते, मतलब वो चीज़ें अच्छी हैं या ख़राब है, ठीक है। अगर आप एक वाटर बॉटल लेने गए हो, ठीक है, आप एक वाटर बॉटल लेने गए हो तो आप इसको देख के बता सकते हो कि इसका कलर, शेप, डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाटर बॉटल को देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, अगर आप इस वाटर बॉटल को देख ही नहीं पा रहे हो तो हाउ यू कैन डिसाइड कि ये अच्छा है या नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बोल दिया कि एक पिंक कलर का बॉटल है जो बहुत खूबसूरत है, और आपको उसे बिन देखे बिन छुए परचेस करना है, तो शायद ये पिंक कलर का बॉटल हो सकता है बाद में, लेकिन शायद ये अच्छा ना हो, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बिना छुए जब आप बिना देखे चीज़ें जब आपको लेनी पड़ती है, जब वो इनटेंजिबल नेचर का होता है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो सर्विसेज आर टिपिकली डिलीवर्ड बाई एम्प्लॉयज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन सम केसेज बाई द टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज देयर फोर देयर इज ऑल्सो अ नीड टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है।
ये क्या, और जबकि हम लोग जानते हैं तो क्या होता है, सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय प्रोवाइड होता है, ठीक है, जैसे मैंने रखा है किसी को, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, वो आपको, आप पार्लर का ले लो एग्जांपल, अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो, कि आप पार्लर में जाते हो तो क्या करता है, एक एम्प्लॉय होता है जो सीखा होता है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी और को सर्विस देते हैं, वो किसी और को सर्विस देते हैं, वो किसी और को सर्विस देते हैं, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत ये बता रहा है, और कभी कभी तो होता है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स भी इसमें यूज़ कर लिया जाता है, जैसे कि अगर मुझे पैर का मसाज चाहिए, मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो आप देखते हो कितनी सारी मशीन चली हुई है कि आप क्या करो, अपना पैर उसमें डालो और आप रिलैक्स करके बैठ जाओ, तो आपके पैर का मसाज होता रहेगा अपने से, ठीक है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो इस फील्ड में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करो, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को एड ऑन करो, ठीक है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स इन चीज़ों को मैनेज कर सके। इन एडिशन, अनलाइक इन द मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स वेयर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन आर सेपरेट एक्टिविटीज़, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और कंजप्शन करना, ठीक है, ये तीनों क्या है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, ठीक है, दो सेक्टर्स, दो थ्री, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, कंजप्शन आर सेपरेट एक्टिविटीज, इन सर्विस सेक्टर्स दोज थ्री आर साइमल्टेनियसली प्रोसेस, ठीक है। और यही चीज़ जो सर्विस सेक्टर्स में होता है वो एक ही तरह का होता है, ठीक है, ये सेपरेट नहीं होता है। इनफैक्ट सर्विसेज आर सो वेरिड एंड डाइवर्स दैट वन नीड टू क्लासीफाई दैम टू आइडेंटिफाई सेलेक्टेड एरियाज विच नीड टू मैनेज स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सर्विस एक बहुत डाइवर्स और बहुत अलग फील्ड है, ठीक है, जिसको समझने के लिए आपको क्या होगा, स्ट्रेटेजिकली आपको समझना भी होगा और आपको मैनेज करने में भी इसको काफ़ी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था हमारा सर्विस मार्केटिंग का मतलब, आई होप आपको ये मतलब समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।